देखो इन्हें ये हैं ओस की बूंदें, पत्तों की गोद में आसमां से कूदें, अंगड़ाई ले फिर करवट बदल कर, नाजुक से मोती हंस दे फिसल कर, खो न जाइए तारे जमीन पर। हमारी अधूरी कहानी, हमारी अधूरी कहानी, हमारी अधूरी कहानी, हमारी अधूरी कहानी। अच्छे तरीके से इन लोगों ने बहुत मेहनत की हुई थी और हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला इन सारे बच्चों को शिफाए कामला अता फरमाए। नहीं, ये बड़ी अच्छी एक काविश है डॉक्टर अहमद फराज साहब ने जो ये इन्होंने अपना ये इंस्टीट्यूट खोला है और ख़ासतौर पर ये जो कॉन्फ्रेंस करवाई है, इससे बड़ी अवेयरनेस आई है पेरेंट्स के लिए। जो प्रेजेंटेशन दी गई हैं उसमें ये बताया गया है कि जी आप किन किन चीज़ों पर कंसंट्रेट करेंगे स्टार्ट से तो आप बच्चे को सही हैंडल कर सकेंगे। सबसे पहली इनिशियल स्टेज तो ये है कि आपको इस चीज़ का पता होना चाहिए कि एक सर्टन जो डेफिशिएंसी है आपके बच्चे के अंदर, वो अगर आपको राइट टाइम पे पता चल जाए तो आप उसका जो क्योर है या जो भी उसकी मैनेजमेंट है वो एग्जैक्ट टाइम पे स्टार्ट कर सकते हैं। एक्चुअली मैं यूके में रहती थी और मेरा ये बेटा अमार अहमद जो कि 2.5 साल का था, ये बोलता नहीं था और आराम से बैठा रहता था, लेकिन मुझे इतना ज़्यादा फील नहीं हुआ तो इस डॉक्टर ने इसको ऑटिज़म डायग्नोस किया। उस पाकिस्तान में अभी बहुत ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है ऑटिज़म की, तो हम लोग चाहते हैं कि जिन लोगों ने अपने बच्चों घरों में बच्चों को छुपा के रखा हुआ है या वो बाहर नहीं निकालना चाहते, माशरे के सामने नहीं लाना चाहते, वो भी माशरे का एक हिस्सा बने। What's your name? Everybody.
हमारे बहुत अच्छे इमोशंस हैं, हम बहुत मोटिवेशन के साथ इन बच्चों के साथ काम करते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है इन बच्चों के साथ काम करके। मैं यही कहना चाहूँगी कि ऑटिज्म डिसऑर्डर काफ़ी ज़्यादा है पाकिस्तान में, अवेयरनेस तो बहुत कम है लेकिन डिसऑर्डर काफ़ी फैला हुआ है, तो इसलिए लोगों को पता होना चाहिए कि अगर ऑटिज़म है किसी बच्चे को तो वो उसको ले के जाएँ, जो सेंटर्स यहाँ पे बने हैं वहाँ पे बच्चों को लेके जाएं, क्योंकि पेरेंट्स एक्सेप्ट नहीं करते। तौर पे जो इधर प्रेजेंटेशंस हुई हैं मतलब वो पेरेंट्स के लिए और आम लोग जिस तरह के जिनको बिल्कुल भी ऑटिज्म के बारे में नहीं पता उनको काफ़ी इससे अवेयरनेस हुई है, और जो स्किट्स वगैरह पेश किए गए हैं उससे काफ़ी लोगों को फ़ायदा होगा। हमारा मीडिया बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं और जैसे जैसे अवेयरनेस आ रही है इस तरह से सेटअप्स वेल डेवलप्ड होते जा रहे हैं। किसी भी तरीके से मैं कोशिश करूँगा स्कूल को आगे सही मुकाम पे पहुंचाना ताकि पाकिस्तान के आवाम को मदद मिले और ऑटिस्टिक बच्चों की अवेयरनेस भी फैले। ऑटिज्म के बच्चों को एंटरटेन करने के लिए आई थी अपने म्यूजिक से। हमने भी एक इनिशिएटिव लिया है क्योंकि बहुत ऑटिज्म है, हर इदारा सारों को नहीं लेकर सकता, इसलिए इससे बहुत सारे इदारे मिलकर काम करेंगे तो हम सारे ऑटिज्म को जो है वो मैनेज कर सकते हैं, सारे लोग मिलकर एक ही फॉर्म। और ये स्पेशल बच्चे हैं विद स्पेशल नीड्स, तो इनके साथ काम करना बहुत अच्छा लगता है और बहुत मोटिवेशन होती है, आपको एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन होती है जब इन बच्चों में छोटी छोटी सी अचीवमेंट्स आती हैं, व्हेन दे स्माइल दे क्लैप, तो आप उन छोटे छोटे मोमेंट्स को एंजॉय करते हैं और बहुत मज़ा आता है। मेरा तो इसमें इंटरेस्ट है और मेरे लिए तो ये ऐसे ही है जैसे कि इनमें सारे कलर्स हैं और मैं एक एक कलर को चुनती हूँ और उन उन्हीं कलर्स के साथ उनको डिफाइन करती हूँ, मेरे लिए ये बहुत अनमोल तोहफे हैं। आपने देखा ऑटिज्म, ये एक ऐसा मुश्किल सब्जेक्ट है जिसकी जो कि पाकिस्तान में स्प्रेड तो बहुत ज़्यादा है लेकिन इतनी लोगों में अभी अवेयरनेस नहीं है और शायद ये थोड़ा कॉस्टली भी होगा। अब जैसा कि हमने देखा और आपने लोगों के कमेंट सुने, ये एक महंगा प्रोसेस है और उसमें मालकान की बड़ी एफर्ट्स हैं और उनकी बड़ी हमदर्दी हैं और फिनंशियली वो इसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट भी कर रहे हैं, लेकिन ज़रूरत इस अमर की है कि साहब मुखैर हजरात वो आगे बढ़ें और ऐसे इदारों को सपोर्ट करें ताकि वो वालदेन जो अपने बच्चों को ऐसी जगहों तक नहीं पहुंचा सकते वो पहुंचा सकें और ये लोग उनकी बेहतर खिदमत कर सकें। कैमरामैन कमर नकवी के साथ, एडिटर सज्जाद बुहारी के साथ मैं हूँ रियाज बुहारी, बुहारी मल्टीमीडिया लाहौर।